चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। पश्चिमी दिल्ली का मशहूर भगत चंद्रा अस्पताल समय समय पर मेडिकल के साथ साथ ही सामाजिक दायित्व के निर्वहन में भी नए कीर्तिमान स्थापित करता रहा है। इसी श्रृंखला में विगत वर्षों में भी भगत चंद्रा अस्पताल ने जहां राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हासिल किए हैं, तो वहीं इस बार एक बार फिर भगत चंद्रा अस्पताल स्थित शिशु नर्सरी को NNF यानी राष्ट्रीय नवजात विज्ञान मंच के द्वारा नर्सरी की श्रेणी को 3A में सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि यह संस्था सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में स्थित नवजात शिशुओं की नर्सरी को उनमें उपलब्ध सेवाओं इत्यादि के आधार पर श्रेष्ठता सूची में शामिल कर उन्हें रेटिंग प्रदान करती है। इस अवसर पर नर्सरी स्टाफ के साथ ही भगत चंद्रा हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर CM भगत भी खासे खुश दिखाई दिए। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर CM भगत ने इस अचीवमेंट पर क्या कहा। देखिए, एक खुशी का मौका था, मुझे लगा मैं आप सबसे शेयर करता हूँ और आपके द्वारा पब्लिक से भी शेयर करना चाहूँगा। हमारी नर्सरी की री इंस्पेक्शन थी, पहले भी हुई है और अभी हुई है। तो अभी जो इंस्पेक्शन हुई है पिछले हफ्ते, उसका रिपोर्ट आ गई है और उसमें हमारी जो एक्रेडिशन है, जैसे ये एक्रेडिशन ये समझ लीजिए जैसे होटल्स की होती है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, टाइप ऑफ वर्क, आउटपुट कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो नर्सरी की अलग से एक्रेडिशन हुई है। तो ये एक्रेडिशन फर्दर इम्प्रूव करेगी जो हमारी थी। तो एक खुशी का मौका है हमारे स्टाफ के लिए और मैं उनकी खुशियों में उनको बधाई देता हूँ और वो इस अच्छे काम को जो वो कर रहे हैं वो और करते रहें, अच्छा रहेगा। और इसमें करने के लिए मैं हमारे टीम लीडर जो हैं डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर कजरी, डॉक्टर अनंत, डॉक्टर सुरजीत और सिस्टर बनीला जो इंचार्ज हैं इन सब नर्सेज की, इन सबको खास तौर से बधाई देना चाहता हूँ। ये सब यहाँ पे बैठे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने अचीव किया। डॉक्टर भगत ने इस अचीवमेंट को पूरी तरह से जहाँ नर्सरी की देखभाल एवं प्रबंधन में शामिल डॉक्टर्स तथा नर्सेज की टीम को समर्पित किया और इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ इस उपलब्धि पर नर्सरी की टीम में शामिल वरिष्ठ डॉक्टर मनीष जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बेसिकली जब भी नर्सरी स्टार्ट होती है तो हमने 5 से 6 साल पहले हमने नर्सरी स्टार्ट की थी, वो 6 साल से स्टार्ट किया। ग्रेजुअली इस रीजन में उस समय पर कोई भी NICU या नर्सरी नहीं थी। ग्रेजुअली उस NICU को धीरे धीरे बड़ा किया गया और वो NICU बन के इस शेप में आया। 3 साल में ही हमने उसे नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया से उसकी रिकॉग्नाइजेशन ली। दिस इज़ द फर्स्ट एक्चुअली इन इंडिया इन विच हमने सारी रिकॉग्नाइजेशन इतनी जल्दी 3 साल में ही ली। उसके बाद 5 साल के अंदर हमने उसे Level 3 रिकॉग्नाइजेशन ली। इस रीजन में जहाँ पे कोई न्यूनेटल केयर रिकॉग्नाइज नहीं थी उस समय पे उसे इस्टेब्लिश करके इस लेवल पे लेके आना एक अपने आप में ही बड़ी अचीवमेंट होती है। और ये अचीवमेंट इसलिए भी बड़ी है कि इसके बेसिस पे हम क्वालिटी केयर ऑफ न्यूबॉर्न दे पा रहे हैं। एक्चुअली हर हॉस्पिटल चाहता है कि हम अपने यहाँ पे एक अच्छी नर्सरी और न्यूनेटल केयर दे पाए, लेकिन बेसिकली उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ। दूसरी बात उसके लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है न्यूनेटल टीम एंड न्यूनेटल स्टाफ और नर्सेस, जो उनको ट्रेन करना और एक न्यूनेटल टीम को बनाना वो सबसे बड़ी चीज़ है रेदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लोग बनाते हैं लेकिन उसे मेंटेन करना कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम 3 साल 5 साल 10 साल वो सबसे बड़ी बात होती है। और ये एक टीम वर्क है, ये किसी एक पर्सन नहीं कर सकता, ये केवल एक टीम वर्क और टीम वर्क के ही बेसिस पे इस चीज़ को किया जा सकता है। नर्सरी की यूनिट में शामिल एक और डॉक्टर डॉक्टर कजरी भी इस मौके पर खासी खुश दिखाई दी। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी धन्यवाद किया। इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आई हैव वर्क्ड इन लॉट ऑफ NICUs बट मैं यहाँ पर पिछले 2.5-3 साल से हूँ। द बेस्ट पार्ट इज ऑफ द NICU इज दैट बेसिक केयर जो हम पेरेंट्स को समझाते हैं बेबी का टेक केयर करने में, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करते हैं हम, मदर और बेबी का KMC करते हैं, कभी भी टॉफी की एडवाइस नहीं करते हैं, मदर को कॉन्टिन्यूसली हम इन्वॉल्व करते हैं बेबी की केयर में। मदर हमारे NICU में किसी भी वक्त आ सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है बशर्ते कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा हो। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आर NICU विच आई फील।
सेकेंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट द फाइनेंशियल पार्ट. ये हमारी एन आई सी यू जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इट्स द कॉस्ट ऑफ दिस एन आई सी यू इज़ वेरी वेरी लेस. आई हैव वर्कड इन लॉट ऑफ एन आई सी यूज. उसमें अगर कोई बच्चा 26 वीकर है, वो 3 महीने बाद घर जा रहा है, तो पेरेंट्स का बिल बहुत ज़्यादा हाई होता है. बट हमारे एन आई सी यूज़ में बिकॉज लेवल्स का जो कॉस्ट है वो बहुत कम रखा हुआ है, तो पेरेंट्स का बिल ओवरऑल बहुत कम होता है. एंड एवरीबडी इज़ ए यंग पेरेंट एट दैट टाइम, तो वो फाइनेंशियल बर्डन जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बियर करना पड़ता है, वो यहाँ एन आई सी यू में हमारे कम है. So this is, these 2-3 things are one of the best of this NICU. The rest the Dr. Manish has already covered. वास्तव में यह उपलब्धि भगत चंद्रा अस्पताल के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दावों को माने तो पश्चिमी दिल्ली में भगत चंद्रा अस्पताल इस रैंकिंग को हासिल करने वाला पहला अस्पताल बन गया है. भगत चंद्रा अस्पताल की इस उपलब्धि के लिए ब्रेकिंग न्यूज द्वारका भी उन्हें हार्दिक बधाई देता है. ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट. चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन.